जो आपको मालूम ही है कल से चल रहा है मीडिया में, एक बहुत ही दुखद हादसा, जिसमें 22 जाने कोई बात नहीं, लगभग 69-70 लोगों की मौत हो गई। तो आज यहाँ आने का यही मकसद था कि यहाँ जो घायल लोग यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भर्ती हैं, तो उनसे मिलने को और देखने का कि इनके इलाज, इनके उपचार में पूरी कोशिश की जा रही है कि आज में कुछ बेहतरी लाने की संभावना है। तो उसी मकसद से मैं यहाँ आया था। सेक्रेटरी हेल्थ डिवीजन कमिश्नर जम्मू, डी जी जम्मू, ये सब लोग यहाँ इसी के लिए आए कि देखने के लिए इनका हाल चाल पूछने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि ये सभी कीमती जाने बच जाए, इनका इलाज ठीक तरीके से हो और इनके इलाज की पूरी की पूरी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर में जो बना मिली है, तो ये पूरा इंतजाम है कर रहे हैं। तो उसी के लिए देखने के लिए आए। कैजुअलिटीज हुई हैं, 22 कैजुअलिटीज, उनकी बॉडीज को उनके घरों में पहुंचाना ये भी एक बिल्कुल वो तो हो गई, मैंने बोला नहीं वो सब चीज़ें। सर इंक्वायरी भी इनिशिएट की गई है इस पूरे मामले, क्योंकि सुंदर सित्र बस थी और उसमें 90 के करीब यात्रियों को बिठाया गया था ये भी कहा जा रहा है। तो ये बड़ी मैं कहूँगा कि दुखद बात है कि गाड़ी में जितनी कैपेसिटी उससे कहीं ज़्यादा लोग बेशक, तो इंक्वायरी में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या है, किसकी गलती है, क्या है। एक्सग्रेशन के लिए एक्सग्रेशन रिलीफ तो जम्मू कश्मीर की तरफ से 5 लाख रुपये का जो डेथ्स हुई है और जो इंजर्ड हैं उनको 50,000 रुपये का, और जो उनका ट्रीटमेंट का सारा यहाँ का सारा इंतजाम है वो सब जम्मू कश्मीर सरकार का। सर हादसे में घायल लोगों से मिले हैं, कंडीशन कैसी है उनकी? थोड़ा कंडीशन अभी लगभग कोई 70-72 लोग हैं यहाँ जो कि इंजर्ड हैं, जिसमें से 2 की कंडीशन थोड़ी बताई जाती है कि जिसको ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है, बाकी ठीक है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। आगे ऐसे हादसा ना हो कि लखनपुर से या यहाँ पे इजाज़त क्यों दी जाती है जी, ओवरलोडेड बसें 97 अगर मुसाफिर उसमें हैं, उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए इंक्वायरी ऑर्डर की है और इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आई थी उसमें सख्त से सख्त सर 6 लोगों को सस्पेंड किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही रही होगी? देखिए, ये सारे सिस्टम में आप कहेंगे सिर्फ एक तरफा लापरवाही है, होता नहीं। सबसे पहले वो सवारी जो इस 50-55 सीटर गाड़ी में बैठे, सबसे पहले उनकी भी तो जिम्मेवारी बनती है, फिर उसके ड्राइवर की जिम्मेवारी बनती है, फिर जहाँ जहाँ से वो गुजरी, जिन स्टेट से गुजरी, उनकी पुलिस की, उनकी उनकी सबकी जिम्मेवारी बनती है, फिर यहाँ पर भी कुछ लोगों की जिम्मेवारी बनेगी, तो इंक्वायरी से ये सब चीज़ें सामने आएंगी, फिर एक्शन होगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। चीफ सेक्रेटरी अतुल्दुल्लू जी ने कहा है, जो आपने सुना कि उनका ये सापुर से कहना था, जो परिवार के लोगों के जो गुजर चुके हैं उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा और जो लोग जख्मी हैं उनको आपको बताते चलें कि 50,000 रुपया दिया जाएगा, और जो भी इनका इलाज है वो यहाँ पे आपको बताते चले कि अच्छे से जो है जल्द से जल्द किया जा रहा है। आपको बताते चले कि जम्मू के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू जी, और आपको बताते चले कि डिपकॉम रमेश जी और ADGP अनंत जैन जी और SSP विनोद कुमार जी यहाँ पर पहुँचे थे, और जो परिवार के लोग अभी जिनका इलाज चल रहा है उनका आज आपको बता दें कि उनसे मुलाकात जो है इनकी हुई है।